नोएडा के सेक्टर 18 स्थित प्योर शॉट फूड एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के नाम पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए ठगने के खिलाफ लोगों ने कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पर धरना देकर प्रदर्शन किया। मार्केट से 4 करोड़ रुपए उठा उसको वापस। लोगों का कहना है कि कंपनी ने अलग अलग राज्य जिनमें बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्य के लोगों को फ्रेंच आईडी देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की। ये पेमेंट एज ए CNF सिक्योरिटी के रूप में इन्होंने पैसा लिया था कि मैं आपको CNF बनाता हूँ बिहार का। हाँ, ये जलम इनका प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्योर शॉट कंपनी करके इनका कंपनी है। हाँ, इन्होंने ठगने का काम किया है। इतने जितने भी लोग आप यहाँ देख रहे हैं सब लोगों का पैसा बाकी है। कितने लोग हैं जिनको अब तक? आड़े कम से कम 3 करोड़ रुपया बाकी है इनके। यहाँ हम लोग 40 से 50 200 से 300 लोगों का पैसा ठगा है इन्होंने। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग ठगी के शिकार हुए हैं। कहते नहीं परेशान हो सर, 35 लाख रुपया आपके बेटे ने ले रखा है। सभी लोगों के साथ नोएडा के सेक्टर 18 स्थित प्योर शॉट फूड एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक अखिल कुमार ने कंपनी की फ्रेंच आईडी देने के नाम पर एडवांस पेमेंट ली और उसके बाद लोगों से संपर्क करना बंद कर दिया। वहीं लोगों ने बताया कि अखिल कुमार ने कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन देने के नाम पर सभी लोगों से लाखों रुपए एडवांस में ले लिए, लेकिन अभी तक उन्हें ना तो फ्रेंच आईडी मिली और ना ही उनके पैसे वापस मिल रहे हैं। सभी लोग अलग अलग राज्य से आए हैं, जिनके बाद सभी लोग सैकड़ों की संख्या में आज कंपनी के मालिक अखिल कुमार के घर T30 सेक्टर 12 पहुँचे, जहाँ लोगों ने घर के बाहर जमकर हंगामा किया।